अध्यापक महोदय एवं शिक्षार्थियों द्वारा संकल्प लिया गया कि भविष्य में हम सभी पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे, साथ ही इसका बहिष्कार करेंगे। कॉलेज के प्रधानाचार्य ने कहा कि सरकार का यह कदम बहुत सराहनीय है, इससे बीमारियों पर अंकुश लगेगा एवं पशुओं में उत्पन्न बीमारियों से भी बहुत राहत मिलेगी। एवं सरकार से अपील करते हैं कि निर्मित बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे कागज से बने खलते में लाए जाएं। सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय होगा, जिससे समाज में उत्पन्न गंदगी में राहत मिलेगी व बीमारियों पर अंकुश लगेगा। मैं एसकेटी मॉडल एंटर कॉलेज वारसी बाईपास अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये प्रबंधक और प्रिंसिपल का दायित्व निभा रहा हूँ कि आज 8 अगस्त को मैंने इस चैनल के माध्यम से बच्चों को एक शपथ दिलाई है कि सभी बच्चे इस पॉलीथिन का बहिष्कार करेंगे और साथ ही साथ मैं भारत सरकार को भी बहुत प्रशंसा करता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और सीएम यूपी के योगी जी ने अपनी इस बड़ी पहल के माध्यम से देश को इस जो कचरा भर जाता था नालियों में और गलियों में, जो हमारे उस मक्खी मच्छर पैदा होकर के तमाम बैक्टीरिया पैदा हो रहे थे, साथ ही साथ जो हमारे खाने पीने के जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें भी प्लास्टिक के जो केमिकल की मिलावट होती है, उससे हमारे सारे देश के नागरिकों का स्वास्थ्य बचा रहेगा। इनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि ये पॉलीथिन जो है, ये प्लास्टिक में जो खाद्य पदार्थ का जो सेवन किया जाता है नागरिकों द्वारा, ये केवल कूड़ा कचरा ही पैदा नहीं करता, बल्कि इसमें जो मिलने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं, केमिकल हैं, वो ठंडा गर्म का यूज करने पर ये जो है उसमें घुल करके हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारियों का बढ़ावा देते हैं। सर, आज भी नमकीन, कुरकुरे और कुरकुरे पॉलीथिन में आ रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही साथ मैं इसके बारे में भी ये अपने अपील और सुझाव और प्रार्थना अपने मोदी जी और योगी जी से कहूँगा कि जितने भी प्रोडक्ट हमारे खाद्य सामग्री के रूप में पैकिंग होकर के इस पॉलीथिन में या प्लास्टिक के सामान में आ रहे हैं, उनको भी कृपया करके बैन किया जाए, जिससे जो आधा काम हो चुका है और आधा काम बचा हुआ है ये पूरा हो जाए, देश के नागरिकों का स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा एक परोपकार होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।